वेलकम टू द पाकिस्तान ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर चैनल पर न्यू आया तो उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें। और अगर मतलब आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो इंस्टाग्राम के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो लाजमी चेकआउट कर लेना और कॉन्टैक्ट आप वहाँ पे कर सकते हैं। और बैकअप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी देख लेना, मजा आएगा आपको। मजा ना आए पैसे वापस हैं तो ये लाजमी देख लेना। एग्जैक्टली, मैंने बोला गया छोड़ो उसको। तो अब मैं हूं बशर, ये है वजाहत। जो आज का टाइटल है वो है स्टैंड अप कॉमेडी ब्रेकअप रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। काफी लोग बोल रहे थे इसका यार, मतलब रैक किया जाए अभिषेक तो, उपमन्यु अभिषेक उपमन्यु की, अभिषेक उपमन्यु की है। हाँ। तो ब्रेकअप रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड छोड़ दे वो आगे डिस्क्रिमिनेशन, सो ये इसका नाम है। तो जल्दी से देखते हैं यार, इसकी एक दो कॉमेडीज देखी हैं। जहाँ जहाँ इस बंदे ने सीरियसली बोल रहे हैं पेड़ में धर डाल दिया था, तो अभी देखते हैं। इसका मुंह ही ऐसा है भाई, बाल ऊपर से, मतलब इस तरह मुंह बना के बोलता है ना, ऊपर से इसके बाल बिखरे हुए सारे, और इतना मतलब वो सही यार, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर है बंदे में। एक और वो सामने ऊपर नजर है, पी ओ आर एन बाय अभिषेक उपमन्यु। अबे वो छोड़ उसको, वो नेक्स्ट करेंगे, फिलहाल इसका आया ना लिख यार। काउंट डाउन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। पहली हंसी शी वेरी रिसेंटली, वन ऑफ माय फ्रेंड्स वेंट थ्रू अ ब्रेकअप एंड इज वन ऑफ दोस गाइस हु कांट हैंडल देयर ब्रेकअप्स। तो ब्रेकअप के बाद कुछ ज्यादा ही रोने लगे, चली गई भाई, चली गई, इतना प्यार किया फिर चली गई। इनसे विश्वास ही नहीं होता इनको कि लड़की छोड़ सकती है। But what they do is they never tell you directly that they've broken up. What they do is they try to slip it in conversations. लेकिन हर बात में ना ब्रेकअप की टोन आती रहती है, मनहूसियत मतलब। आप फोन कर लो आपका मूड ही खराब हो जाए मतलब। मैंने उसको फोन किया, मैं कहाँ है? कह रहा हॉस्टल में। मैं कहा अकेला है? बहुत। अकेला बहुत, बहुत ज़्यादा अकेला। मैं कोई नहीं यार, टेंशन मत ले। दारू पिया क्या? नहीं, आंसुओं से पेट भर लिया। चीज़ी लाइफ होता है। अच्छा, मैं एक बार छोटा था तो मैं चॉकलेट खा रहा था, तो मैं डैड आया, कहता बेटा चॉकलेट मत खाओ। मैं क्यों? कहता दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। तो मैं आइसक्रीम खाने लग गया। तो मैं डैड आया, कहता बेटा आइसक्रीम मत खाओ। मैं क्यों? कहता दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। तो मैं कीड़े खाने लग गया। तो मैं डैड आया, कहता बेटा कीड़े मत खाओ। मैं क्यों? कहता दांत में कीड़े पड़े। मैं इधर आओ पापा, जरा इधर पीछे कीड़ा पड़ जाए, इधर आओ जरा बात करनी है। मैं कोई और बात करनी आती आपको? क्या तमीज से बात करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। And that is one thing that our parents have always taught us, right? Respect your elders, respect your elders. But they never explained why. क्यों? मुझे लगता नहीं उनके पास कोई रीजन है। बस करो। वो बोली जा रहे हैं, हम माने जा रहे हैं फालतू में ऐसे ही। तो मैंने कहा एक बात बताओ पापा, क्यों करनी होती रिस्पेक्ट? कह रहे हैं वो बस करनी होती। मैं क्यों मगर? कह रहे हम पहले पैदा हुए थे। पागल तो नहीं आ रहा। And they also tell you that you should respect women, which I agree. So you should respect your elders and you should respect women. मतलब सिर्फ छोटे लड़कों की बेइज्जती कर सकते हैं हम। तो छोटे कहाँ से छोड़े? बच्चा ही वो ग्रुप है ना बेइज्जती करने के लिए। तो मैं तो छोड़ता नहीं, मैं सड़क पे दिख जाए छोटे लड़के तो। सही बात है। तो तभी तो दाढ़ी भी नहीं है, निकल यहाँ से वो इतना। क्या बंदा है? ऊपर से होली चेक कर रहा हूँ। Recently, one of my friends came up to me and he criticized me, right? But he criticized me for something that I have never been criticized for in my entire life. He said, and I quote, "Yar, वैसे तो बंदा बड़ा प्यारा है, पर यार तेरे मसूड़े बड़े गंदे हैं." Exactly. It took a little time for me to register this completely. मैं कहा हाँ यार, I have to work on it. एक मसूड़े? मसूड़े बहुत काले। मसूड़े होते किसके अच्छे? मसूड़े कोई एलिगेंट बॉडी पार्ट नहीं है।
Like you never see guys talking about girls. भाई बंदी क्या मसूरत है ये मस्त है, ये मस्त है, क्या मसूरत है बंदी का, ये वाला पार्ट इतना सुंदर है ना, ये वाला मजा आता थे क्या मसूरत है यार ये सारे हंसते पागल हैं। Okay, before I go, guys, how many of you watch football? Give me a cheer. कोई बात नहीं करनी है। मैं फुटबॉल मैच देख रहा था, उसमें अनाउंसमेंट हुई बड़ी अजीब टाइप की। वो बंदा है और कहता, टुडे इज द एंटी डिस्क्रिमिनेशन डे, एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर और सेक्स वुड नॉट बी अप्रिशिएटेड, वुड नॉट बी अप्रिशिएटेड। मतलब तुम कर लो, तारीफें नहीं कर रहे तुम्हारे रेसिज्म के हम, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स तो मत ही एक्सपेक्ट करना। आई थिंक इंडिया ये जहाँ डिस्क्रिमिनेशन को हम लाइटली लेते हैं, बिकॉज वी हैव मच बिगर प्रॉब्लम्स टू डील विद, राइट, दैन डिस्क्रिमिनेशन। लाइक कंसिडर मुंबई पुलिस, एवरी डे दे आर गेटिंग केसेज ऑफ मर्डर एंड किड्स गेटिंग स्टैब्ड एंड समबडी गेटिंग रॉब्ड, और तब कोई भाई साहब आ रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेन। सर मेरी कंप्लेन लिखना क्या हुआ, उसने मुझे काला बोल दिया। पुलिस वाला भी गुमा हो गया, रुका भाई इसको अंदर डालो, उसने मुझे काला बोल दिया, पुलिस वाला गुस्सा आ जाएगा। सही बात है। देख भाई उसने तुझे काला बोल दिया क्योंकि तू काला है। भाग जाए ऐसे काले कलुए, भाग यहां से। अबे अंधेरा हो रहा है, दिखे बने कोई गाड़ी मार जाएगी, निकल यहां से। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, माय नेम इज शोकु पंडित। यार वीडियो कहता हूँ तो ये वाली थी बस, वीडियो छोटी सी थी यार, लेकिन पता नहीं लगा, बहुत मस्त थी यार, मतलब मजा बड़ा है यार, सीरियसली, मतलब मसूड़े वाली तो बहुत लैश थी, मसूड़े वाली पॉइंट बहुत ही लैश था, पता है क्या चक्कर है, मतलब है तो तू क्यूट लेकिन तेरे मसूड़े, अब मतलब मसूड़े गाल ले चल एकदम, वो फिर बोलते बोलते कहता है मसूड़े, अब कोई लड़की को बोलेंगे क्या मसूड़ा है भाई, मतलब लड़की को कहाँ से बोलेगा ना मसूड़ा, लड़की को देखकर मतलब बोलेगा तू प्यारी है, प्यारी लड़की थी, मतलब कितनी हॉट लड़की थी, कितना ये था वो था, जो अब ये बोलेगा ना तो ये तो नहीं कि मसूड़े कैसे हैं, मतलब ये वाला तो काफी मजे का था। और दूसरा यार रिस्पेक्ट यू राइट, वो करनी चाहिए यार सीरियस, हाँ ये तो मजाक था, ये तो शुगल में था वैसे, मतलब माँ बाप की इज्जत दो, नहीं दोगे तो पड़ जाएगी यार, फिर देरी पड़ेगी, चापड़ देसी माँ बाप, देसी लोग हैं भाई, ऊपर से वो सीधा अगर कुछ बोले तो एक दो लगा भी जाते हैं। अब ये पाकिस्तान है, इंडिया, इधर तो माँ बाप पे केस भी नहीं कर सकते, तो अगर यूरोपियन कंट्रीज होती तो फिर केस भी कर सकता है बंदा, लेकिन यूरोपियन कंट्री में भी जो देसी बच्चे रहते हैं ना, वो भी केस नहीं करते अपने माँ बाप, उनको पता है वही किया तो खैर नहीं है, वही तो। और कहते हैं आइसक्रीम ना खा, चॉकलेट ना खा, उसने मुझे काला बोला, पुलिस को दिन में मतलब थोड़े पंगे होंगे, कोई मर्डर कोई अमन इसकी बात ठीक, सुसाइड उधर आए तो उसने मुझे काला बोला, तू काला है, काला है जब अंकल यार, वो मुझे काफी बात लगा, मतलब वैसे पहले तो कोई यार मुश्किल है, कम लोग ही जाते हैं केस लेकर इस तरह, पहले तो किसी को कहना नहीं चाहिए जो अच्छी बात है, मतलब किसी को नहीं बोलना चाहिए, हमारे एशिया में बहुत ज्यादा है रेकिज्म, मतलब नहीं करना चाहिए, एशिया में नहीं हर जगह यार, मतलब नहीं यार यूरोप में नहीं है, फिर उधर देख कितने काले होते हैं, हाँ गोरी बच्ची मतलब काले के साथ शादी कर लेते हैं, मतलब उधर नहीं है, इधर भी है यार, मतलब इतना लेवल इतना ज्यादा नहीं, हाँ लेकिन ज्यादा ये है इधर तो ज्यादा, इधर कोई लड़की होगी या मतलब वो व्हाइट हो गया लड़का, फिर काला, मतलब प्यार शार कुछ नहीं देखना, काला माला नहीं, अगर मोटा ये चीजें देखते हैं, मोटा ये मोटा नहीं करनी, ये बहुत पतला नहीं करनी, या मतलब कि लड़की ब्लैक होगी थोड़ी सी, लड़की मतलब लड़का ये यार दोनों का होता है ये, दोनों का है ना, ये मतलब इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, एग्जैक्टली दिल देखना चाहिए, हाँ दिल देखो तो वो सबसे बेस्ट चीज है, लेकिन यार मतलब मेंटालिटी नहीं चेंज, मुश्किल से होती है, बहुत टाइम लगेगा इसको, तो इसको छोड़ो। तो आप बताओ यार आपके इस वीडियो के बारे में, मतलब आपको कैसी लगी है वीडियो, आपको मजा आया है, नहीं आया, और फेवरेट पार्ट आप लोगों का कौन सा था, तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिल्कुल सब कुछ कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।